बारे में। देखो ना मौसी, कैसी हमने हमारे बर्थडे पे सेलिब्रेशन पे सब पे बुलाया, लेकिन पापा के बर्थडे पे ना एक बुलाने पे मौसी आ गई। क्यों मौसी ऐसे ना फोर्स करते हमारे बर्थडे पे? कभी नहीं आती मौसी, पे भी नहीं आई कभी। हाँ, पापा ने बोला एक बार आ जाओ तो आ गई मौसी। मैं मर जाऊं। वाह, ये मस्त है। डेकोरेशन दिया तो आप पार्टी कहाँ पे दे रहे हो वो बताओ पहले। तुमने घर नहीं बनाएगा? नहीं, नहीं। मेरे को लगा ही था। बताओ बताओ कहाँ पे? मुझे ना बहुत बड़ी पार्टी चाहिए। बाहर जाने का? हाँ। मतलब तुमने पहले से सोच कर रखा था? हाँ। बताओ बताओ। चलो फिर कहाँ पे जाएंगे हम? अब लेके चलता मैं, चलो मौसी। आपको पता है पापा अभी है ना हमको बहुत मस्त पार्टी देने वाले हैं। हाँ, वो तो हमारा पहले डिसाइड हुआ था, इसलिए तुम लोग आए। चलो 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 जल्दी रेडी हो जाओ। चलो। हाँ, मैं चेंज करके आती हूँ। ये देखो मेरी मौसी भी रेडी हो गई। मौसी ने आज किसका टॉप पहना है दिखाओ मौसी। मैं मर जाऊं। मौसी ने बोला कि वो कुछ भी कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेके। इतना टाइम पास कर रहे यार तुम, कब से? ये तो थोड़ी देर से रुक जाओ यार, इतने जल्दी जल्दी मैं आई, मैं उधर से ब्रश करके निकल गई। थोड़ा तो रुको। आप ही देखो अभी। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि मौसी ने बोला है कि वो है ना मेरे ही कपड़े पहनेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मौसी रेडी होती तो मैं वेट कर रहा था। बाप रे पापा। ये देखो मौसी, इसमें से जो चाहिए वो ले लो, पूरा मेकअप का सामान है। चलो रे बाबा, अभी पापा बहुत चिल्लाएंगे, फिर पार्टी भी हमारी कैंसिल हो जाएंगी। जल्दी से निकलते हैं। पापा चलो। पापा बताओ आप हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं? सीधे वहाँ पे ना जाने के बाद ही देख लेना तुम। अपने यहाँ से क्या, मैं भी नहीं गया। अच्छा, आप भी नहीं गए? फर्स्ट टाइम जा रहे हो? फर्स्ट टाइम जा रहा मैं भी। चलो मौसी, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लगेगा। अभी आपको पार्टी वार्टी देंगे ना आपको तब। पार्टी दे रहे थे इसलिए तुम आई। देखो देखो, और हम नहीं देते थे क्या अपने बर्थडे पे? तुम क्या पानी पूरी खिलाते थे? हाँ मौसी, फिर से एक बार बोलो जरा, क्या बोल रही थी आप? आईफोन देखना है कल। अच्छा, तो तू आईफोन के लिए आई इधर? वही तो मैं बोलो, एक ही बार बुलाने पे कैसे आ गई मौसी? पुणे में तो मिल जाता था आईफोन। अरे पुणे में नहीं मिल रहा होगा, शॉर्टेज है उसकी। तभी तो मुंबई में मिल जाता था, मुंबई नजदीक था। मैं तो आपके लिए आई हूं, जो यार आपको भरोसा ही नहीं है। एक तीर से दो निशाने चला रही है मौसी, मतलब बोल भी रही है पापा को। इतना दूर से आपके लिए एक कहने पे आ गई और आप मेरे को बोल रहे आईफोन के लिए आई हूं। चल तेरे को आईफोन दिला दूंगा कल बस। वाह क्या बात है। हाँ मतलब वो उसके पैसे से ही लेंगी, दिला के मैं दूंगा। अच्छा ऐसे? हाँ मतलब अवेलेबल करवा के दूंगा। तो आ गए हम लोग रेस्टोरेंट में। पहले जो रेस्टोरेंट पे गए थे ना वो इतना खास नहीं था, तो ये दूसरा वाला रेस्टोरेंट है। चलो मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ। एकदम मस्त झगमग लाइटिंग है यहाँ पे। चलो चलते हैं। हाँ एक मिनट, कोई रह गया ना? अरे सोनल दी पीछे ही थी ना। हाँ हाँ, क्या सोनल दी, आवाज तो दे, तू सो गई क्या पीछे? चल ढकेल ढकेल सामने। बिचारी, मैंने सोचा है कि कोई रह गया है शायद। देखो मेरी मौसी कितना प्यार करती है मुझसे। इतनी मौसम है ना इसलिए।
चलो मस्त ठूसेंगे हम। आओ हाँ वेजिटेरियन। ये क्या तरीका है मौसी, इतनी ठंड लग रही है। औरंगाबाद में ठंड है? हाँ बहुत ठंड है औरंगाबाद में। मम्मी का चेहरा देखो कितना खिल गया है, उनकी बहन आ गई है तो फिर देख सोनल दी, अभी हमको भूल गई मम्मी। तुम रोज ही दिखते है ना मुझे। हम रोज ही दिखते का क्या मतलब है मम्मी, तुमसे मैं रोज प्यार करती हूं। पक गई तुम्हारी शक्ल देख दी। मेरी दीदी का, अब भी दीदी का कॉल आया था, बोल रही थी हाँ तो उधर गया, अभी लगेज भूल जाएंगे। मम्मी बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है सच में। गाड़ी लॉक करो। चल के ज्यादा देर चाबी जा, गाड़ी में चाबी है। मेरे को नहीं दी थी मम्मा ने। चलो मस्त गर्मा गर्म खाना खाएंगे हम। आ गई मैं। यस किराना। आओ इधर। घूमो घूमो गोल गोल सब। मौसी कैसा लगा पनीर चिल्ली औरंगाबाद का? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाप रे क्यों? मम्मी पुणे का फूड अच्छा है रे, औरंगाबाद का अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, अभी पुणे वाले लोगों को औरंगाबाद का क्या अच्छा लगेगा। जाने जीजू की पार्टी चुपचाप खा ले। तो बिना म्यूजिक का डिनर कैसा लग रहा? बताओ अच्छा लग रहा है। किर, 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 वाला कभी कभार अच्छा लगता है, इसे रेगुलर थोड़ी ना। अभी पुणे आएंगे तो म्यूजिक वाले ही करेंगे ना डिनर, है ना मौसी? तो मौसी को है ना पनीर खाना था, इसलिए है ना हमने पनीर मसाला ऑर्डर किया। तो खाओ ना, बताओ कैसा है। अच्छा लगा आपको आज मेरे साथ? फैमिली के साथ खाने का मजा है कुछ और है, भले मैं पुणे में रहूँ या मुंबई में, फैमिली इज फैमिली। वो तो है, ठंडी बहुत है भाई, सब ठंडी बहुत है। चल सोना जी, पापा के बर्थडे पे मस्त फैमिली डिनर हुआ, एंड कल ही मेरा लास्ट एग्जाम है और मुझे एग्जाम से घर आने के बाद में जाना है दृश्यम 2 मूवी देखने। तेरे को क्या करने का मूवी जाके? मैं जाने वाला मेरे फ्रेंड लोगों के साथ में, तो तुम बाद में देख लेना मूवी। नहीं पापा मुझे मूवी देखने की, आपको पता है मैं कितने दिनों से वेट कर रही हूँ दृश्यम 2 मूवी का। नहीं मुझे भी आना है, मुझे भी आना है ना। बोलो ना बोल। अरे मैंने ना मेरे फ्रेंड लोगों के साथ में प्लान बनाया था, तुम बीच में जबरदस्ती क्यों ऐड हो जा रहे? अभी उनको क्या बोलूं फिर कि तुम मत आओ साथ में? नहीं पापा हम सबको आना है, मौसी को भी आना है, तो आप बुक करो टिकट। क्या जी, तो आपने अकेले अकेले जाने का प्लान बनाया, हम लोगों को कौन लेके जाएगा? आपने तो बताया भी नहीं। मूवी का टिकट भी बुक करनी है ना? पता नहीं पापा। नहीं हमें भी आना है, हम लोग भी आएंगे। हाँ हमारा
मैं भी मतलब हम आप यहाँ पे आए और आप अकेले जा रहे हैं। मैं भी आऊंगी। ठीक है चलो तुम भी चलो फिर मूवी। अभी क्या है ये सब मूवी जाएंगे। चलो मैं भी रेडी हो जाती। अभी है ना हमको मूवी जाना है तो मैं बस सोच ही रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ। मैंने ना बहुत सारे ड्रेस निकाल के देख लिए तो फिर है ना मुझे ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है। मतलब ये देखो ये ब्लैक वाला मिनी स्कर्ट और ये व्हाइट कलर का स्लीवलेस। वैसे भी बहुत दिन हो गए मैंने व्हाइट नहीं पहना। मुझे व्हाइट पहनना बहुत अच्छा लगता है तो मैं यही पहन लूंगी। मौसी देखो मैंने ये ड्रेस पहन लिया कैसे लग रहा है। अच्छा है। क्या बोल रहे हो? जीजू ने उनका प्लान कैंसिल किया। कौन सा प्लान? दोस्तों के साथ जाना। तो क्या हुआ हम चल रहे हैं ना अभी हम सब साथ जाएंगे। हम साथ साथ हैं। चलो ना हुआ क्या तुम्हारा रेडी? बस 5 मिनट। आप रेडी हो जाओ ना पप्पा। मेरे को क्या है? जैसे वैसे चल निकालो सर का। देखो मासी आप बोलो टी शर्ट चेंज करने के लिए तभी करेंगे पप्पा। अरे रेडी है मैं। नहीं ना जाओ ना कुछ और अच्छा पहन के आओ। जाओ जाओ न्यू वाला टी शर्ट पहनो पप्पा। मौसी रेडी हो जाओ ना। मौसी तो सिर्फ मेरे टॉप ही ढूंढ रही है। इतने सारे टॉप ट्राई किए मौसी ने एक भी पसंद नहीं आ रहे। ये पहना हुआ अच्छा है ना मम्मी? हाँ अच्छा पसंद नहीं आ रहा है। पापा चलो ना अभी लेट हो जाएगा ना मूवी के लिए। मुझे है ना हीरो की एंट्री मिस नहीं चाहिए। हमेशा आप बोलते हो आज मैं बोल रही हूँ। चीकू पप्पी देना देना बच्चे पापा को पप्पी दे पापा को दे। देखो आज मम्मी भी कितनी सुंदर लग रही है। वैसे तो मम्मी हमेशा ही सुंदर लगती है। मम्मी ये कैप पहनूं सूट करेगी? हाँ पहले। आपको पता है मौसी क्यों चल रही है मूवी देखने के लिए थिएटर में? क्यों? उनको है ना बहुत नींद आ रही है और वो है ना वहाँ पे थिएटर में जाके मूवी नहीं देखने वाली वहाँ पे सोने वाली है मस्त एसी में। मैं आईफोन लेने आ रही हूँ। क्या अच्छा है मामा ले ले बाबा आईफोन ले ले। कब लेना है? अभी अभी लेना है इनको आईफोन। पर मिलेगा क्या जूजू है? मौसी अरे अच्छा सुनो ना मम्मी मैं ना ये मूवी के लिए ना जब से ट्रेलर आया था ना तब से एक्साइटेड थी कि कब आएगी मूवी कब आएगी कब मैं देखने जाऊंगी। फाइनली आज हम जा रहे हैं। चलो लिफ्ट को बताना पड़ेगा ना कौन सी मूवी जाना है हमें। दृश्यम दृश्यम टू उधर भी बोलो दृश्यम टू। अरे कोई तो आजा बोलो ना आप बोलो अभी तक नहीं आई है। दृश्यम दृश्यम टू अब आएगी लिफ्ट। अब पप्पा ने बोल दिया ना तो आप आओ ना मुझे पोस्टर के साथ फोटो निकालना है। क्या यहाँ पे पोस्टर? हाँ है ये यहाँ पे दृश्यम 2 का पोस्टर। सब लोग उधर देख रहे हैं मैं फोटो किसके साथ निकालूं फिर। मम्मी देखो ना सब उधर ही देख रहे हैं मैं फोटो कैसे खिंचाऊं फिर। तू इधर देख। ठीक है वो दृश्यम 1 में जो विजय सालगांवकर ने पुलिस स्टेशन में लाश दफनाई थी ना तो वो टाइम पे उसको किसी ने देख लिया था। OMG और सबसे बड़ा मिशन मैं थिएटर में ये चॉकलेट लेके आ गई। चाहिए? एक ही मिलेगी बाकी 3 मेरे। मेरे को खिलाओ अपने में से पापा। इसमें से भी होना किधर को? तो क्या विजय सालगांवकर अपने फैमिली को बचा पाएगा? उसके लिए आपको मूवी देखने जाना पड़ेगा।
मौसी बताओ कैसी लगी आपको मूवी? आप सो गए? नहीं मैं नहीं सोई, सच में बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ बहुत अच्छी मूवी थी और लास्ट का जो सस्पेंस था ना वो तो बहुत बढ़िया था ना। एंडिंग तो बहुत बढ़िया थी सच में। पापा अभी भूख लगी है, कुछ खिलाओगे जाते जाते? हाँ इसको आईफोन देखने का ना जाएंगे पहले। मुझे तो हर जगह पे आईफोन दिख रहा है, रिलायंस मार्ट में भी आईफोन दिख रहा है। अच्छा देखो शॉप पे से आईफोन नहीं लेने का क्या? क्यों शॉप में से क्यों नहीं लेना है मौसी को आईफोन? ठीक है ना शॉप में से मत ले, यहाँ से तो लेंगे। कहाँ से? वो क्या इंस्पायर? इंस्पायर में से। हाँ इंस्पायर में पुणे में गई थी नहीं मिला। आईफोन लेने के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलो अभी आईफोन देखने जा ही रहे तो मैं भी चली जाती हूँ ना, जरा कैमरा वगैरह मैं भी देख लूँ आईफोन का मुझे कैसे लगता है, अगर मुझे पसंद आ गया तो। ऐसा ये नहीं करना कि पापा कि तुमको भी आईफोन पापा हम भी लेते ना, ये नहीं, उसको लेने का उसको ले दो। अगर मेरे को कैमरा पसंद आ गया तो? कुछ कैमरा भी मेरा कुछ नहीं, मैं पहले बोल रहा तुम देखने चल रहे चलो उसको ले दो पापा। चलो ना चलो। हाँ ठीक है चलो। आईफोन क्या कहा भाजी सब्जी के पापा? और हमारे औरंगाबाद में भी आईफोन 14 प्रो मैक्स अवेलेबल नहीं है, बट पापा अवेलेबल करवा के दे सकते हैं, लेकिन महंगा पड़ेगा, तो मौसी का आईफोन लेने का आइडिया ड्रॉप हो गया। चलो यहाँ पे आईफोन 13 प्रो मैक्स जो मौसी को चाहिए था वो अवेलेबल ही नहीं है, बैड लक मौसी। तो हमारी बबीता मौसी के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आया और आज रात की गाड़ी से वो वापस जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मैंने सुना है कि पापा हमको गुजरात लेके जा रहे हैं, चलो देखते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।